देखिए जल्दी उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जहां श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा सुविधाएं अब मिलने वाली है। देखिए इस बीच धामी सरकार ने तीर्थ यात्रियों को एक और शुभ सौगात दे दी है। यमुनोत्री धाम में रोप वे बनाया जाएगा, इससे वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहद आसानी होगी, क्योंकि उनको 5 किलोमीटर की यात्रा अब पैदल नहीं करनी होगी। ये रोप वे खरसाली से यमुनोत्री को जोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बाबा केदार का धाम भी भक्तों के स्वागत के लिए सजने लगा है। बिल्कुल सरगम, हालांकि अभी यहां पर पैदल मार्ग तैयार किया जा रहा है, जो भारी बर्फबारी की वजह से दबा हुआ है। जल्द ही ये शिवधाम श्रद्धालुओं से गुलजार होगा। वही चलिए, इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, यानी कि 25 तारीख से यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो जाएगा। वैसे इन दिनों केदारनाथ धाम सफेद चादर से ढका हुआ है, चारों तरफ कुदरत की बिछाई सफेद चादर है, वादियां कई फीट मोटी बर्फ से लदी हुई हैं। लेकिन अब केदारनाथ धाम में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बर्फ के टीलों को काटकर पैदल यात्रियों के लिए मार्ग तैयार किया जा रहा है। यहां मंदिर से लेकर लिंचोली तक 7 किलोमीटर तक पैदल मार्ग में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, मतलब मार्ग कहाँ है ये पता लगाना ही मुश्किल है। और देखिए वहां से जो तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से होकर गुजरना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, और 25 मजदूर केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के काम लगे हुए हैं। ये सभी घुटनों तक जमी बर्फ में औजारों के जरिए तेजी से बर्फ को किनारे लगा रहे हैं। ये इन मजदूरों की मेहनत का ही नतीजा है कि बर्फ हटाने के बाद पैदल मार्ग अब दिखने लगा है, यानी आने वाले दिनों में इस रास्ते से पूरी तरह से बर्फ को हटा दिया जाएगा ताकि लोगों को आसानी हो सके। केदारनाथ धाम में अभी भी काफी ठंड है और बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन वहां यात्रियों की सुविधा के लिए विकास के काम लगातार जारी हैं। प्रशासन की कोशिश है कि तय वक्त पर यात्रा से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए जाएं, जिनमें सबसे बड़ा और पहला काम पैदल यात्रा मार्ग को तैयार करना है। इसके अलावा टूटे हुए रास्तों की मरम्मत भी की जाए। केदारनाथ धाम के ट्रैक रूट पर जो बर्फ है अभी उसको हटाने का कार्य हमारा प्रारंभ हो गया है और अभी 25 श्रमिक उसमें कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में उसकी संख्या को बढ़ाएंगे और उम्मीद यही कि 5 दिन के भीतर हमारा जो पूरा मार्ग है वो खुल जाएगा। देखिए इस बार चार धाम यात्रा कई मायनों में खास होने वाली है, साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगली बार श्रद्धालुओं के चार धाम आने के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में बद्रीनाथ और केदारनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। तो चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या है अब तक चार धाम यात्रा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स। तो यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शुभ समाचार ये है कि इस बार चार धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। बिल्कुल, केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल जाएंगे तो बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। पैदल मार्ग पर यात्रियों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी होगी। बिल्कुल, और यात्रियों के आराम के लिए शेड भी बनाए जाएंगे अलग अलग जगह पर। इस बीच चार धाम रूट की सड़कें, इन पर मरम्मत का काम जो है वो भी शुरू हो चुका है। वहीं ऐप के जरिए सड़कों की निगरानी भी की जाएगी ताकि सड़क टूटने पर तुरंत उसकी मरम्मत की जा सके। बिल्कुल, भीड़ कंट्रोल करने के लिए भी टोकन की व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है। प्रशासन की कोशिश यही है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।